औरत को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि औरत का स्वभाव पल पल बदलता है। वो दुश्मन से प्यार करती है, दोस्तों से नफरत करती है, बेवजह किसी भी बात पे नाराज हो जाती है। उसे जो बहुत प्यार करता है उसे तो मुंह ही नहीं लगाती, और जो उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, जो उससे टाइम पास कर रहा है, औरत उसके पीछे दीवानी हो जाती है। सदियों से औरत के ऐसे स्वभाव के कारण मर्द टेंशन में आ जाता है कि इस औरत को चाहिए क्या। आज मैं तुम्हें घटिया औरत की कुछ पहचान बताऊंगा, जो औरत तुम्हारे साथ याश करती है, तुम्हारे साथ सारे मस्ती मजाक करती है, तुम्हारे दिल में प्यार की आग जलाकर दूसरे मर्दों के साथ सोती है। ये तुमसे बस प्यार का नाटक करती है और सारे सुख बाहर किसी दूसरे मर्द को देती है। तो अगर तुम ऐसी औरत की निशानी जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सिलसिला प्यार का चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना। सबसे पहले है वो औरत जो मर्द से पैसा मांगती है। औरत का एक उसूल होता है, वो जिनको अच्छी तरीके से नहीं जानती उनसे पैसे नहीं मांगती, और खासकर औरत रिश्तों के बीच पैसा आने नहीं देती। वो अपने बॉयफ्रेंड से कभी पैसे नहीं मांगती और ना ही उसके पैसे बर्बाद करती है। जो औरत एक दो दिन के बातचीत के बाद पैसे मांगती है, ये घटिया होती है। देखो, ज़रूरी नहीं है कि पैसे मांगने वाली सभी औरत घटिया हो, और अगर औरत ने तुमसे पैसे लिए हैं तो वो लौटाती ज़रूर है, वो वापस ज़रूर करती है। औरत इस मामले में बहुत पक्की होती है, वो भरोसा नहीं तोड़ती। लेकिन तुम्हें उसी औरत को पैसे देने चाहिए जिनसे तुम वसूल कर सको। देखो कितनी मज़ेदार बात है, अगर औरत को पैसे देकर तुम पैसा या उसकी पूरी कीमत वसूल नहीं करते हो तो वो औरत तुम्हें पागल समझती है और तुम्हें धोखा देती है। बहुत बार देखने में आता है सोशल नेटवर्किंग साइट में लड़की चैटिंग के दौरान तुमसे पैसे मांगती है। ये धोखा देने वाली औरतें होती हैं। औरत अनजाने लोगों से पैसे नहीं मांगती, और यही नहीं, जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का फ़ोन रिचार्ज कराता है, ऐसी लड़कियाँ बॉयफ्रेंड के अलावा भी बाहर रिश्ता रखती है। अगर एक अच्छा रिलेशन चाहते हो और औरत को अपने पास रोक कर रखना चाहते हो तो रिश्तों में कभी पैसे नहीं आने देना। दर्शन शास्त्र में कहा गया है औरत कभी बेवफा नहीं होती, पर कभी कभी वो पगली दो मर्दों के साथ वफा निभाने की कोशिश करती है। आचार्य चाणक्य ने ऐसे औरत को भी घटिया कहा है, जो पर पुरुष से संबंध रखती है, पर पुरुष को छूती है, उसके बाल संवारती है, उसका ख्याल रखती है, जोर जोर से हंसकर शर्मा का नज़र झुकाकर बाल संवार कर बात करती है। ऐसे औरतों को आचार्य चाणक्य ने निशाचरी कहा है, मतलब धूर्त, भांड, ठगने वाली औरत। तीसरे तरह के वो औरत होती है जो बड़ों का अनादर करती है, घर आए मेहमान का स्वागत नहीं करती, पति के पीठ पीछे पति की चुगली करती है, पति के सामने चिल्लाकर बात करती है, पति के बातों को काटती है, सास ससुर का अनादर करती है। ऐसे औरतों को भी आचार्य चाणक्य ने घटिया कहा है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो औरत अकारण संध्या वेला के बाद पर पुरुष के साथ घर से बाहर रहती है वो श्रेण होती है, अर्थात बेवफा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। लड़की पटाने के साइकोलॉजिकल लेक्चर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और प्राइवेट वीडियो देखो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।